इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। तो ये पेपर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है और ये एग्जाम 3 जुलाई को हो चुका है, ठीक है। ये एक मल्टीपल चॉइस पैटर्न का पेपर था जिसके अंदर 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए हम इन्हीं के सोल्यूशन की बात करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एन एंटीबॉडी हैज डैश प्रोटीन चेंज, उसका करेक्ट ऑप्शन होगा पहला वाला, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सीडीआर इज इन एन एंटीबॉडी इज कंपोज्ड ऑफ एन टर्मिनल ऑफ डैश चेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड वाला, ए एंड बी बोथ, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हैज रेशियो ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इज 1:1, थर्ड ऑप्शन सही है। फोर्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग C3 कन्वर्टरोज, ठीक, कन्वर्टेज, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला, C3B, B, ठीक है। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास थर्ड वाला, रैबिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनेट इम्यूनिटी कंप्रोमाइज बैरियर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर वाला, ऑल ऑफ दिस। 7 है, एंटीबॉडी दैट फॉर्म डाइमर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बी सेल, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दिस। 9 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसके अंदर से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 10 है हमारे पास, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाज, या और थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है। ग्राफिकल यूजर जो भी लिखा हुआ है, वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड बॉस, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, WWW इज वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड ऑप्शन सही है, सबको मालूम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्च इंजन, ठीक है। तो देखो इन सभी में से सर थर्ड ऑप्शन सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुछ था प्राइमरी साइड लिखा हुआ है, DNA डाटाबेस, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी DNA डाटाबेस, तो OMIF ऑप्शन हो जाएगा। 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कुछ था कट गया है, ठीक है, सीक्वेंस डाटा बेस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 17 है, द टेस्ट बेस्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड सीक्वेंस, या फिर यस TA फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 18 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन बी ज्वाइन टू DS DNA मॉलिक्यूल, तो DNA लाइगेज सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोड्यूस ब्लंट एंड ऑफ एड DNA, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा। 20 क्या है, अल्फा कॉम्प्लिकेशन डैश स्लैश ब्लू वाइट सिलेक्शन इज यूज टू डिफ्रेंशिएट, इसका करेक्ट ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। 21 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग लिखा हुआ, इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड वाला हो जाएगा। 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्टर इज सुटेबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन इन हायर प्लांट, करेक्ट ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 23 क्या है, अ कम्प्लीट सेट ऑफ क्लोने DNA फ्रेगमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज जीनोमिक लाइब्रेरी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 24 क्या है, ब्लास्ट इज पहला ऑप्शन सही है। 25 ब्लास्ट टूल यूज प्रोटीन एज क्वेरी सीक्वेंस एंड न्यूक्लियोटाइड एज डाटा बेस इज बी ब्लास्ट यक्स, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल फॉर फार्मल, क्या लिखा हुआ है, फाइलोजेनी, तो करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 28 है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ क्लास 2 आर कॉल्ड, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्मिड हैज टू सेलेक्टेबल मार्कर, सेकेंड इसका पहला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। 30 क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्माइट वेक्टर इज ऑल ऑफ दिस। 31 नेम ऑफ मेजर क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज बेस्ड ऑन चेन यच, सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। 32 क्या है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। 33 क्या है, विच सेल प्रेजेंट एंटीजन ऑन MHC सेकेंड टू TH सेल, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन्वॉल्व इन एलर्जी, थर्ड ऑप्शन सही है। 35 क्या है, बी सेल हैव एंटीजन रिसेप्टर, इसका भी थर्ड ऑप्शन सही है। उसके बाद 36 है, मैक्रोफेज जनरली प्रेजेंट, कुछ आगे लिखा हुआ एंटीजन लिखा हुआ है, टू TH सेल, ठीक है। 36 का पहला ऑप्शन सही है। 37 का, वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय जेनर, सेकेंड ऑप्शन सही है। 38 क्या, द सेल दैट किल अनदर सेल डायरेक्टली बाय सिक्रेटिंग ग्रेंजाइम इज कॉल्ड TC सेल, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 39 क्या, पोलियो वैक्सीनेशन गेव प्राइमरी इम्यूनिटी, पहला ऑप्शन सही है। 40 क्या है हमारे पास, तब 39 था ना, हाँ 39। 40 क्या है, द टर्म रिकॉम्बिएंट DNA टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक यूज्ड टू डिनोट
ट्रांजिएंट हैविंग सीक्वेंस फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। 41 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द फाइव एंड, तो थर्ड ऑप्शन सही है। 42 क्या, विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर प्राइमरली यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, सेकेंड ऑप्शन सही है। 43 का थर्ड ऑप्शन सही है। 44 का फोर्थ सही है। 45 का कॉमर्सली अवेलेबल ग्लूकोमीटर, ये ग्लूकोमीटर लीली कुछ लिखा हुआ है, कट गया है, ठीक है, ऑन एंजाइम, सेकेंड ऑप्शन सही है। 46 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसक्वेजेनिक क्रॉप, फोर्थ सही है। 47 क्राइजीन इन बीटी कॉटन इज ऑप्टेन फ्रॉम, थर्ड ऑप्शन सही है। विच फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट कॉन्सेप्ट ऑफ DNA वैक्सीन इन माइस, इसका पहला ऑप्शन सही है। 49 का पहला ऑप्शन सही है। 50 का इन प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीमेंट एक्टिवेशन MSCE, पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कार्ड सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, थर्ड ऑप्शन सही है। 52 द क्लास ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉप्स, कुछ लिखा हुआ है, प्लेसेंटा शायद लिखा हुआ था, ठीक है, जो भी वर्ड है कट गया है, पहला ऑप्शन सही है। 53 क्लास ऑफ एंटीबॉडी कैन क्रॉस म्यूकोशल लेयर, थर्ड ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी फॉर्म पेंटामर, सेकेंड ऑप्शन सही है। 55 का थर्ड सही है और 56 का फोर्थ सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।